पीपल जॉय का जो साइकिल था जिसकी चर्चा काफ़ी दिन से हो रही थी और स्वराज से महाराष्ट्र से एंट्री होनी थी उसको, तो थोड़ी चिंता थी हम लोगों को। तो हम लगातार मॉनिटरिंग करें और सब अधिकारी में साथ में और पहले तैयारी करेगी थी हम लोगों ने, जिससे कि कैसी भी विपदा आए तो लोगों को तकलीफ नहीं हो, ये व्यवस्था हमने पहले ही कर रखी थी। मेरे घर करीब 15-17 हज़ार लोगों को तो हमने पहले शिफ्ट करवा दिया। फॉर्चुनेटली जो सुन रहे थे पहले इसके बारे में, मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हमारी हुई, तमाम राजस्थान गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी लगा के सभी अधिकारी मौजूद थे। सबने जो तय किया, एहतियात के तौर पर आर्मी के 2 कॉलम बुला लिए और 17 टीमें SDRF की, 8 टीमें थी आपके NDRF की, तो 25 टीमें लग गई साथ में। फिर आपके जो ये आपदा मित्र बनाए हैं सिविल डिफेंस में, उनकी भी अच्छी भूमिका रही सब जगह। इस रूप में मैनेजमेंट इस रूप में किया गया जिससे कि बरसात हुई है, बरसात का थोड़ा लाभ भी मिलता है किसानों को, लाभ मिलता है, पर जानवर को नुकसान हो गया, कच्चे झोपड़े थे उनको नुकसान हुआ, कुछ पक्के मकान थे उनको नुकसान हुआ है। तो SDRF के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग टू सर्वे हो रहा है, जिला प्रशासन कर रहा है, उन सबको मुआवजा दिया जाएगा, ये हमारी तैयारी है। और बाकी जो कुछ नॉर्म्स केंद्र सरकार ने बदल दिए हैं पेमेंट के, उसके कारण से तकलीफ आ रही है। पाला पड़ के पहले अब आपके चौटन के अंदर भी और कई जगहों पर भी पेमेंट बाकी है 1-1 साल से। हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र भी लिखा है, आज ये मांग करना चाहूँगा केंद्र सरकार को चाहिए कि तमाम नॉर्म जो अप्रैल में बदल दिए थे पिछले साल, तब से हम कोशिश करें कि आप नॉर्म वापस बदलो, क्योंकि जो बीमा है कृषि बीमा उसके साथ लिंक कर दिया उसको, वो थोड़ा कैलकुलेशन टाइम लगता है उसके अंदर, तो लोगों को राहत मिल नहीं पाती है। बाकी पूरी व्यवस्था है, कल ही अपने ये जालौर जिले से रात को ही जालौर जिले से आप देखिए 62 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, राजथल गांव में और मिशनगढ़ की घटना है। तो अभी तक भी लगे हुए लोग हैं क्योंकि नदी नाले चलते रहते हैं। अब आप इतने बड़े जो आपके जो ये पीपल जॉय था साइक्लोन, उसमें तो लोग मरे नहीं, फॉर्चुनेटली सब ठीक निकल गया, वो उसका प्रभाव ही धीरे 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 कम होता गया। तो बाद में जब लोग तालाबों में नालियों में तैरने जाते हैं वो लापरवाही करते हैं तो इन दिक्कत आती है। रात में 5 लोग मर गए, अब बाढ़ में जिले में भी मैंने 5 लोग मर गए हैं, ये थोड़ा दुखद बात है। तो मैं अपील करना चाहूँगा पब्लिक से भी कि जो अभी बरसात जो हुई है अचानक, वो तो आपके 6 महीने की बरसात एक साथ ही हो गई है मान लो, और आराम हो गया किसानों को भी, परंतु नदी नाले जो फुल चल रहे हैं अब भर गए हैं, उसमें तैरने में थोड़ा परहेज करें, ध्यान रखें, मतलब ये मैं अपील करना चाहूँगा। अनावश्यक वजह के 10-12 लोग मर गए जबकि मेन साइक्लोन के अंदर कोई नहीं मरा, इस पर व्यवस्था भी करी थी हम लोगों ने। सर, ये सड़कों का भी काफी नुकसान हुआ, देखिए सड़कें तो बहुत, बिजली के पोल्स जो है 8-9 हज़ार तो बिजली पोल गिर गए हैं, 2,000 ट्रांसफार्मर उनका नुकसान हो गया है, और आप ठीक कह रहे हैं सड़कों की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी है। करीब मैं समझता हूँ 200 करोड़ रुपए के तो हम लोगों ने जल्दी काम टेकअप कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कल रात को हम बैठे हुए थे तो सड़कें काफ़ी नुकसान सड़कों का हुआ है, उन सबको वहाँ पर मरम्मत करवानी पड़ेगी, वो सब काम सरकार प्रशासन टाइम पे करेगा। सर, 2017 में आप राहुल गांधी के साथ आए थे साथियों के अंदर बाढ़ के लिए, तो फिर से उसी गांव के उसी इलाके के अंदर वही हालात है, क्या लगता है सरकार को कोई ऐसा प्लान बनाना चाहिए साचौर और उसके आसपास के इलाकों में जब भी हैवी रेन होता है इसी तरीके के हालात बन जाते हैं? हम तो आपके बाढ़ में आए थे सोनिया गांधी जी के साथ में,
पहले मुगरी के साथ में, राहुल जी आते रहते हैं, वो जो हम गुजरात में थे, गुजरात से आपको ठीक याद है हम सांचौर में आए थे, फिर बाई रोड हमने गुजरात के द्वारा भी किया जहाँ नुकसान हुआ था, तो सारी जानकारी हम लोगों को है। रास्ते में रुकते रुकते भी गए थे हम लोगों ने, बीजेपी के कुछ लोगों ने बदतमीजी भी करी थी, राहुल जी कार पे पत्थर फेंक दिए थे, याद है आपको। तो ये तो ये लोग करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि भाई अभी तो ये मौका है, संकट की घड़ी है, तो संकट की घड़ी में तो क्या तो कांग्रेस क्या बीजेपी, सब पार्टियों मिलकर सेवा करनी चाहिए पब्लिक की, उत्सुक राजनीति करते हैं, पत्ते जला दिए, मैं खुद गाड़ी बैठा हुआ था। तो ये अच्छी 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 फितरत नहीं है मेरा मानना कि। बाकी तो जो कुदरत का जो है वो तो आप देखिए, पूरा ग्लोबल वार्मिंग चल रही है दुनिया भर के अंदर, मौसम का मिजाज बदल रहा है, गर्मी के वक्त में जब बरसात आनी होती है तो कभी देरी जाती है, पहले आ जाती है, तो मानसून का पूरा जो है अप्रोच बदल गया है देश के अंदर, ये तो हम जानते हैं। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि जो घायल हुए हैं, जो मर गए लोग, ज्यादा घायल हुए सबका नॉन बने हुए हैं, तो SDRF के हमारे मंत्री मेरे साथ बैठे हैं मेघवाल जी, ये पूरी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय पर पैसा कैसे मिले, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मेरा मानना है। सर कुछ असेसमेंट करवाया पूरे राजस्थान में कितने कच्चे मकान हैं, वो देखो 8,700 कच्चे मकान हैं और 35,000 घरों की छोटी मोटी क्षति हुई है, 35,000 झोपड़ियों की घरों की छोटी मोटी क्षति हुई है, पर 8,700 जो कच्चे मकान थे वो क्षतिग्रस्त ज़्यादा हुए हैं, 225 स्कूलों की बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, तो हुआ है नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, तो रेस्क्यू किया गया 1,700 लोगों को, और इन्होंने हमारे जो आपदा मित्र है सिविल डिफेंस के इनको सहयोग दिया गया, अच्छा काम किया, जो वॉलंटियर होता है ना वो हमें अच्छा काम करता है। तो ओवरऑल मैं आपको कह सकता हूँ कि जो मेरे पास रिपोर्ट भी है कोई कमी नहीं रखी है, कल रात को मैंने बैठक की 8-10 बजे और हमने तय किया कि शीघ्र जल्दी इसका सर्वे हो जाए तो मुआवजा टाइम में मिल जाए। भारत सरकार से भी आज चीफ सेक्रेटरी महोदय जो है वो बात कर रही है वहाँ के अधिकारियों से कि आपके जो नॉर्म्स हैं वो बदलो जल्दी, जिससे कि अभी भी मुआवजा टाइम में मिले, पिछले मुआवजा बाकी है आपके यहाँ लोगों का वो भी मिल सके लोगों को।